सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में पूरे साल भर में सिर्फ 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पेड़ पौधे तो यहाँ बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना बहुत मुश्किल लगता है, मगर हमें जो मुश्किल लगता है नेचर के लिए वो बहुत ही आसान होता है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रिच। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम ना लिया जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से भी ज्यादा होने के साथ साथ इनका वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। वैसे इनके भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन 2 किलो के लगभग होता है। और क्योंकि रेगिस्तान में पानी की किल्लत रहती है, इसी वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाने और कम पानी मिलने की वजह से इनके शरीर की ताकत में कोई कमी होती है। ये पक्षी अपनी जोरदार लात से किसी को भी घायल कर सकते हैं। वही अपनी इन मजबूत टांगों की वजह से ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, पर इनकी तेज रफ्तार दौड़ ये कमी पूरी कर देती है। वही अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ ही इन पक्षियों की गर्दन भी काफी ज्यादा लचीली होती है, जिसको ये जैसे चाहे घुमा लेते हैं। नंबर 9, डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया भर में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। वही इनके शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढलने में मदद करती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिनकी वजह से इन्हें पानी की कमी नहीं खलती। 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाले ये जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय ही सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनकी जीभ भी अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ही ये जीव भी अपनी जीभ हवा में लहराते हैं, जिसके बाद ये शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि इन जीवों के शिकार की तलाश पूरी भी नहीं होती, तो भी ये काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। नंबर 8, फेनेक फॉक्स। सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वही इस लोमड़ी का रंग कुछ कुछ लाल और हल्के रंग का होने के साथ साथ इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वही इस लोमड़ी को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छिपकली और चिड़ियों के अंडे खाना भी पसंद होता है। इतना ही नहीं, ये लोमड़ी अपना जीवन यापन करने के लिए फल के साथ साथ पौधों की पत्तियां भी खा सकती है। वही इस फेनेक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक और इसका वजन 2.7 केजी से लेकर 13.7 केजी तक हो सकता है। ये फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से भाग भी सकती है। हालांकि इतनी तेज भागने के बाद भी ये लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार भी हो जाती है, जिनमें हाइना, जैकल्स और ईगल से लेकर दूसरे जानवर भी शामिल है। वैसे फेनेक फॉक्स देखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। नंबर 7, एरेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एरेक्स एंटीलोप की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें खाने में घास और पत्तियां पसंद होती है। वही इनकी खासियत इनके बड़े बड़े सींग होते हैं, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इनके सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरण की प्रजातियों की तुलना में इन हिरण के पैर काफी छोटे होते हैं। वही इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में काफी आसानी से चल सकते हैं। वैसे ये हिरण ज्यादातर सुबह और शाम के समय एक्टिव होते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा रहता है। इनके शरीर का रंग गर्मियों के वक्त रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में ये रंग बदल कर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 6, डॉर्किस गजेल।
रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरण दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरणों में सबसे छोटे हिरण की प्रजाति माने गए हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें खाने में पेड़ पत्तियों के साथ साथ फूल भी पसंद होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जानवर यहाँ पानी की कमी की वजह से नमी वाले फूल पत्तियों को ही खाते हैं, जिससे खाने के साथ साथ इनकी पानी की पूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे ये हिरण पूरी जिंदगी भर पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास रहती है। ये हिरण अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर ये जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन खतरे की संभावना कम होते ही एक बार फिर से झुंड में आ मिलते हैं। नंबर 5, 4, डेजर्ट टॉर्टोइस। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मगर ये डेजर्ट टॉर्टोइस रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो पानी पिए बिना एक साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये टॉर्टोइस पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन टॉर्टोइस की उम्र 50 से 150 सालों तक हो सकती है। वहीं ये टॉर्टोइस 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 किलो तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी पसंद होती है। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियंस में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। मतलब अगर ये आपको एक बार डंक मार दे तो आपको वॉमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी समस्या भी आ सकती है, और हो सकता है टाइम पर इलाज ना मिलने से जान के लाले भी पड़ जाए। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छू का रंग कुछ कुछ येलो कलर या हल्का ग्रीनिश होता है। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो ये स्कॉर्पियन 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से लेकर 25 सालों तक हो सकती है। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के भीतर छिपकर भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। वैसे ये जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इन जीवों के शरीर पर कुछ कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं, और ये बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जिससे इनकी आंखें भी थक जाती है। लेकिन इन जीवों की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है, इसी वजह से रेत में होने वाली किसी भी हलचल को ये बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। वैसे ये जीव खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन के समय में भी एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये जीव 7.9 इंच से लेकर 9.4 इंच तक बड़े हो सकते हैं। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। खैर, इन जीवों को स्नेक्स के साथ साथ आउल से जान का खतरा बना रहता है। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। सहारा डेजर्ट में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड वाइंडर स्नेक की बात ना हो, ये तो असंभव है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे सांप को हॉर्न वाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये सांप जहरीले होने के साथ साथ 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग भी सकता है। जहां दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा भागता है। दूसरे रेतीले जीवों की तरह ये सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें ये अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के भीतर छुपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखता है, जिससे कि शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही ये सांप शिकार को जहरीला डंक मारने के बाद निकल जाता है। वैसे इस सांप को छिपकली और चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, पर इस सांप के कांटे से बचना आसान नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।